क्या है कि हिस्ट्री है इंटरनेट कब है ना, आपका जो अमेरिकन रिसर्च जो एजेंसी है ठीक है, अर्पा, तो अर्पा नेट पहले आया था, उसके बाद 1976 है, 1976 में अर्पा नेट का नाम चेंज होकर इंटरनेट हो गया ठीक है। इंटरनेट का मतलब क्या होता है ना, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, मोर देन मिलियन एंड बिलियन कंप्यूटर्स क्या होता है ना इंटरनेट के थ्रू हमें कनेक्टेड है। जैसे मैं अभी ये जो लिंक क्रिएट करके आपको भेजा हूँ, आप इसके थ्रू हमें कनेक्टेड हो, आदित्य ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है इसके थ्रू हमें कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है ना, इंटरनली आप देख पा रहे हो कैसे कनेक्टेड है, नहीं देख पा रहे हो तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है ना, इंटरनली कनेक्टेड नेटवर्क ठीक है। इंटरनेट को क्या बोलोगे, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क भी बोल सकते हो। इंटरनेट को क्या बोल सकते हो ना, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क बोल सकते हो। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो ये जो सारे सारे कंप्यूटर आपस में क्यों कनेक्टेड है ना, टू शेयर इंफॉर्मेशन। जैसे आप यहाँ पे क्यों कनेक्टेड हो ना, मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा आप उसको क्या करोगे, लर्न करोगे। फिर आपके सपोज मैं कुछ गलत बोल देता हूँ, कुछ भी मेरा मिस्टेक हो जाता है, फिर आप बताते हो मैं उसको सही करता हूँ। तो मतलब क्या होता है ना, हम सारे सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपको जो सही लगता है आप बोलते हो, मेरे को जो सही लगता है मैं बोलता हूँ। तो आपस में जब इन्फॉर्मेशन शेयर होता है क्या होता है ना, नॉलेज इंक्रीज करता है ठीक है। तो ये सब करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा ना, इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगा। विदाउट इंटरनेट में आप क्या है ये सब हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका आता है क्या, इट हैज़ ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड एट आवर फिंगर टिप्स। तो टोटल वर्ल्ड में क्या है, फिंगर टिप में आप फिंगर से आप कंट्रोल कर लेते हो। जैसे मैं यहाँ पे हूँ ठीक है, टच स्क्रीन मोबाइल पकड़ा हूँ, मेरा फ्रेंड सपोज यूएसए है नहीं तो वियतनाम में जो होंगे तो उनके साथ भी मैं आसानी से बात कर सकता हूँ ठीक है। ये किसके वजह से पॉसिबल है ना, इंटरनेट के वजह से पॉसिबल है। मिलियन ऑफ पीपल यूज, क्या एक मैसेज वाला है, ईमेल होता है। हाँ तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे व्हाट्सएप में बात क्या कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो और क्या है कॉल भी कर सकते हो। सेम ही डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन का क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं ठीक है। जैसे ईमेल के थ्रू हमें आप क्या कर सकते हो, मेल भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो और हाई बहुत रिजोल्यूशन वाला भी वीडियो भेज सकते हो। लेकिन आपका जो व्हाट्सएप में होता है, व्हाट्सएप में क्या होता है, एक लिमिटेड डाटा रहता है। जैसे 150 MB के अंदर कोई भी डाटा भेज सकते हो, उससे ज़्यादा होगा 1 GB 2 GB हो जाएगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा ना, कंप्रेस करके भेजना पड़ेगा, हाँ नहीं जाएगा। तो सेम ही सारे सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रहता है उसका रिजोल्यूशन के हिसाब से उन्हें बनाते हैं ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, हाँ कोई भी बहुत सारे भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ओनली क्या है आप जो क्या है मैसेज भेज सकते हो, वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते हो, ईमेल के थ्रू हमें आप बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो ठीक है। हाँ ईमेल के अंदर बहुत सारा आता है, जैसे आपका जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया, ये सब क्या होता है ईमेल। आपका व्हाट्सएप भी है कि क्या है ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिकली आप किसको भेज रहे हो ना, कोई भी मैसेज और डाटा इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हो इलेक्ट्रॉनिकली उसको क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं ठीक है। मिलियन ऑफ पीपल यूज द इंटरनेट टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, शेयर इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। मिलियन एंड बिलियन पीपल्स क्या होते हैं, कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू हमें क्यों ना, उनके जो डाटा शेयर करने के लिए, आपस में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए कनेक्टेड है। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कब बना था और मैं अभी बता रहा था ना, तो हिस्ट्री। नाउ लेट अस ब्रीफली ट्रेस द फुटप्रिंट ऑफ द इंटरनेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट वॉज स्टार्टेड इन द पेंटागन, द यूज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये है, ये कहाँ पे इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ था ना, पेंटागन में हुआ था। कहाँ पे ना, पेंटागन में हुआ था। हाँ ए नेटवर्किंग प्रोजेक्ट, हाँ पेंटागन आपका ये USA में है ठीक है। ए नेटवर्किंग प्रोजेक्ट कॉल्ड अर्पा, ये जो ये एडवांस अर्पा का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ठीक है। अर्पा का फुल फॉर्म क्या होता है ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये आपका USA का एक डिफेंस का एक ब्रांच है, जैसे हमारा इंडिया का डिफेंस के लिए सारे सारे जो डेवलपमेंट हो रहा है दोनों करते हैं, एक होता है DRDO और एक होता है ISRO ठीक है। सेम ही उनका जो USA में जो डिफेंस एकेडमी है ठीक है, जो डिफेंस है वो क्या किए थे ना, अर्पा नेट का डेवलपमेंट किए थे। क्यों ना, आपस में बातचीत करने के लिए। जो सारे सारे सोल्जर्स जाते हैं आपस में फाइट करते हैं क्या, जो एक जाके भाग के बताएगा ये मैं यहाँ पर हूँ ऐसे होगा तो क्या होगा, कोई पकड़ लेगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, उन्हें मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे थे
जो मोबाइल फोन को कनेक्ट करने के लिए आपका क्या है ना इंटरनेट का यूज हुआ था, तो उसका पहले जो आया था उसका नाम था अर्पा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने वो अर्पा का डेवलपमेंट किए थे। आप जैसे फ्री फायर खेल रहे हो, फ्री फायर खेलने के टाइम क्या बोल रहे हो, पीछे 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 ऐसे ना, तो सेम ही उन्हें जब डिफेंस उनका डिफेंस में मदद करने के लिए ये आपका इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ था। तो एजेंसी व्हिच हैड टू वर्क एज ए नेटवर्क दैट वुड अलाउ साइंटिस्ट एंड मिलिटरी पर्सनल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन ए वार सिनेरियो विदाउट डिस्ट्रप्शन इन कम्युनिकेशंस। ये जो जब वार चलता है ना क्या होगा ना, आपस में सारे सारे कनेक्टेड होना चाहिए, कोई कनेक्टेड होगा फिर डिसकनेक्टेड हो जाएगा, वो जो इंसान है वो जो सोल्जर्स है वो क्या जाएगा प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तो इसीलिए जब फाइटिंग करते जाते हैं सब आपस में क्या होता है ना पूरा कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, कोई भी कैंसर उसका नेटवर्क को काटते नहीं। दिस नेटवर्क कॉल द अर्पानेट, जो पहले नेटवर्क जो अर्पा ने डेवलपमेंट किया था उसका नाम क्या रख दिए थे ना, अर्पानेट रख दिए थे। क्यों ना, ये इंटरनेट नेट एक जाल के तरह होता है ना, जिसके वजह से इसको नेट रखा गया था। बिकेम फंक्शनल इन सेप्टेम्बर 1969। ये तो डेवलपमेंट हो गया लेकिन सब लोगों को कब पता चला ना, 1969 में इसके बारे में पता चला। लिंकिंग साइंटिफिक एंड एकेडमिक रिसर्चर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे सारे लिंक क्या करता है इंटरनेट के थ्रू में, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कनेक्टेड होते हैं जिसमें उन्हें क्या करते हैं ना साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। लेटर थाउजेंड ऑफ कोऑपरेटिंग नेटवर्क्स पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेट एंड दे आर मेन गोल वाज टू डेवलप एंड मेंटेन हाई स्पीड नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये सारे सारे डे टू डे क्या होता है ना, आपका इंटरनेट का स्पीड बढ़ता जाता है, जैसे पहले 2G था, उसके बाद क्या है 3G आया, फिर 4G आया, और फ्यूचर में भी 5G आ जाएगा, और कुछ दिन के बाद क्या आएगा 5G आएगा। तो डे टू डे क्या होता है ना इंटरनेट को, 5G आ चुका है, हाँ आ चुका है लेकिन इंडिया में नहीं आया है ना, आपका इंडिया में जो इसरो में जो यूज हो रहा है लेकिन और कहाँ पे नहीं है अभी तक। जापान हो गया, साउथ कोरिया आ गया, उन्हें तो ऑलरेडी 5G लॉन्च कर चुके हैं। हाँ पूछो सर, हाँ पूछो सर, 4G से हमारी जो पीढ़ी बड़े सब वो मर रही हैं, अगर आगे जाके 6G 7G बनेगा तो उससे हमें भी तो असर पड़ेगा सर। हाँ ऐसे ही, तो आप मोबाइल फोन जब रख के सोते हो ना पास में तो उसमें भी असर पड़ता है, पॉकेट में जब रखते हो उसमें भी असर पड़ता है, ऐसे नहीं जो नहीं पड़ रहा है, बस स्लोली पड़ता है। तो 5G 6G आएगा तब भी पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा नहीं क्यों पड़ेगा, तो रेडिएशन को उन्हें कम कर देंगे ना, ठीक है, रेडिएशन को कम कर देंगे। रिसर्च क्यों चलता है, जैसे कम लॉस होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इसीलिए रिसर्च करते हैं ना। नहीं आएगा नहीं क्यों, आपका इसरो यूज कर रहा है 5G, 4G तक ही रहेगा, नहीं इसरो में 5G चल रहा है, ठीक है, तो वो रियलमी में आ गया, मोबाइल में आ गया लेकिन नेटवर्क प्रोवाइड करना चाहिए ना, तो 5G मोबाइल हो जाएगा नहीं जे अब 5G चल रहा है, ऐसे नहीं होता है। जब 4G मोबाइल सबके पास नहीं था क्या, उस टाइम 4G भी नहीं था, मतलब आपके पास मोबाइल होगा फिर भी क्या है, मोबाइल वो जो डाटा को एक्सेस कर सकता है, आपका जो है 4G हो गया 2G हो गया वो डाटा को जैसे एक्सेस करेगा, 5G नेटवर्क लगाना पड़ेगा ना, आप 4G नेटवर्क में 5G मोबाइल कनेक्ट कर दोगे तो आपका 4G स्पीड चलेगा, 5G का नहीं चलेगा, ठीक है। सर ऑपरेटिंग नेटवर्क का क्या मतलब है सर, ऑपरेटिंग नेटवर्क पार्टिसिपेटेड, कोऑपरेटिंग, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कोऑपरेटिंग, जैसे आपका जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब क्या है, सब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होते हैं ना, तो आपस में क्या है कोऑपरेट करते हैं ना। हाँ आप सपोज कोई मतलब सब्जेक्ट समझ नहीं पा रहे हो, आपका फ्रेंड से पूछते हो तो सेम ही कोऑपरेट, ठीक है, कोऑपरेटिंग नेटवर्क्स पार्टिसिपेट इन द इंटरनेट एंड दे आर मेन गोल वाज टू डेवलप। सारे सारे बहुत सारे कंपनीज होते हैं, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर ISP जिसको बोलते हैं, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आपका क्या आता है वोडाफोन, जियो, BSNL हो गया, भारत एयरटेल हो गया, ये सब क्या होते हैं ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, और आपस में सारे सारे क्या करते हैं ना कोऑपरेट करके ये जो टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करते हैं। पहले जियो लॉन्च कर दिया, उसके बाद जियो के बाद क्या सारे सारे टेलीकॉम जो सेक्टर है वो भी सारे सारे लॉन्च करने लगे, क्यों ना, उनको तो पता नहीं था, जियो जब डेवलपमेंट कर दिया उनसे भी उन्हें क्या करेंगे, वो जो टेक्नोलॉजी को लिए होंगे, टेक्नोलॉजी को लेके उनका वहाँ पे फील्ड में भी अप्लाई किए, समझ में आया, तो कोऑपरेशन के वजह से सारे सारे पॉसिबल हैं।
उसके बाद आता है www का फुल फॉर्म आता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ पेजेस स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या आता है ना, देखो यहाँ पे मैं सपोज इंटरनेट को आपको और दिखाऊंगा, मैं कोई भी एक क्या आता हूँ ना वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कोई भी एक पेज ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल, मतलब क्या है यूआरएल का फुल फॉर्म आता है यूनिक रिसर्च लोकेटर। यहाँ पे जो भी यूआरएल दोगे वो पर्टिकुलर वही लोकेटर को सर्च करेगा। सपोज मैं क्या करूंगा ना www, गूगल ने ही बनाया है ना सर, जीमेल गूगल ने। हाँ जीमेल गूगल का है, government.in, ठीक है। तो ये क्या है ना, पर्टिकुलर गवर्नमेंट का साइट ही ओपन होगा, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये जो www का फुल फॉर्म क्या आता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, कलेक्शन ऑफ पेजेस स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। दिस पेजेस मैं कंटेंट तो आप वर्ल्ड वाइड वेब ज्यादा तेजी से बोल सकते हो www से। हाँ और आपका यहाँ पे क्या होता है ना, देखो कलेक्शन ऑफ क्या होता है ना, इसमें क्या है, टेक्स्ट भी है, ग्राफिक्स है, ऑडियोज है। देख इसको जब मैं प्ले करूँगा तो क्या होगा, ऑडियो आएगा और यहाँ पे टेक्स्ट सारे सारे, ये जो लिखा है फनी लिखा है, जो भी सारे सारे जो भी है, ये क्या होता है ना आपका टेक्स्ट सारे सारे है। और आपका क्या होता है, ऑडियोज, टेक्स्ट वगैरह, ग्राफिक्स, ये जो सारे सारे फोटो वीडियो ये सब देख रहे हो, ये सब डिजाइन है, ये क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। और वीडियोज एंड लिंक्स टू द अदर पेजेस, और क्या है यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ये जो है सर। हाँ पूछो एक क्वेश्चन सर, जैसे क्या कहते हैं हम कहीं पे भी किसी का नाम देखते हैं तो सर उसके आगे हमेशा जीमेल के पे हमेशा @ का साइन क्यों बनाया जाता है सर, जैसे किसी के नाम के बाद @gmail.com। आपका जो प्रोग्राम जो बनाते हैं प्रोग्राम में वो @ जब लिख दोगे वो समझेगा ये क्या है ना, कोई एक यूजर का अकाउंट है, क्या समझेगा, कोई एक यूजर का अकाउंट है, पर्टिकुलर यूजर का अकाउंट है, तो इसीलिए @ लगता है। और सारे सर बहुत सारा है आपका, ओनली जीमेल नहीं है, ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा साइट्स है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक हो गया जीमेल, हो गया आपका जीमेल में भी अकाउंट खुल सकता हो जीमेल, नहीं तो और आपका होता है क्या याहू मेल भी है, याहू मेल है, और आपका याहू के बाद आपका हॉटमेल भी है, हॉटमेल, और आपका रेडिट मेल भी है, DI रेडिफ मेल है, ठीक है। ये बहुत सारा क्या होता है सर्विस प्रोवाइड करते हैं ईमेल करने के लिए। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा ना, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जब अकाउंट हो जाएगा आपका अकाउंट से दूसरे किसी को मैसेज करना है उसका भी ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, तो फ्रॉम में आपका ईमेल आईडी रहेगा और जिसके पास भेजोगे टू में उनका ईमेल आईडी रहेगा, ताकि आप क्या कर सकते हो ना मैसेज भेज सकते हो। सपोज मैं आपको ईमेल का मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे सपोज मैं क्या करूँगा ना, होम में चला जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे उसके बाद मैं क्या करूँगा ना जीमेल के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा ना जीमेल के ऊपर सपोज क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे देखो जीमेल अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, जीमेल ओपन होने के बाद मैं क्या करूँगा ना, उसके बाद कंपोज के ऊपर क्लिक करूँगा, किसके ऊपर, कंपोज में, तो कंपोज के ऊपर जब क्लिक करूँगा, ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, आप कैसे अकाउंट बनाओगे मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना कंपोज के ऊपर, हाँ मैं कंपोज के ऊपर क्लिक करूँगा, कंपोज का मतलब न्यू मेल एक खुलेगा, ये यहाँ पे खुल गया, ठीक है। सपोज आप जिसके पास भेजना है यहाँ पे उनका ईमेल आईडी देना है, सपोज मेरा और एक ईमेल आईडी है ये जो है, ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे कुछ भेजूंगा तो इस ईमेल आईडी को दे दूंगा, फिर क्यों कौन सा सब्जेक्ट, सपोज मैं फोटो भेज रहा हूँ तो क्या लिख दूंगा, टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट का नाम, फोटो दे दूंगा, और कुछ फाइल भी अटैच करना है यहाँ पे जाके फाइल अटैच कर सकते हो, कुछ फोटो अटैच करना है यहाँ पे फोटो अटैच कर सकते हो, और ड्राइव का कोई डॉक्यूमेंट आपका जो सारे सारे जीमेल गूगल ड्राइव में सेव करके रखते हैं ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो,
ये ड्राइव से ले सकते हो, सपोज कुछ इमेज ये सब भेजना है तो यहाँ से भी क्या इमेज सारे सारे ऐड कर सकते हो, जैसे स्माइल इमेज कुछ भी जो ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ से ऐड करके फिर जब क्या करोगे, जब सेंड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा ना, आपका मेल सेंड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका ईमेल। उसके बाद फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू में आप सारे सारे क्या क्या काम कर सकते हो, जैसे आपका इंटरनेट इज नॉट जस्ट ए सिंपल नेटवर्क ऑन व्हिच वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन ओनली, बट इट इंटरनेट इज नॉट जस्ट ए सिंपल नेटवर्क ऑन व्हिच वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन ओनली, बट इट प्रोवाइड्स सो मैनी यूजफुल सर्विसेज टू द यूजर्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, जिसके अंदर आपका आता है क्या वर्ल्ड वाइड वेब www हो गया, और आपका ईमेल हो गया, ठीक है, और ऑनलाइन चैटिंग हो गया जैसे व्हाट्सएप, और इसके थ्रू में आप क्या करते हो चैटिंग करते हो, और फाइल ट्रांसफ़र व्हाट्सएप के थ्रू में आप क्या करते हो फाइल भी ट्रांसफ़र करते हो, कोई फ्रेंड को भेजना है तो फाइल क्या करते हो वहाँ से भी आप भेज देते हो, और न्यूज़ ग्रुप्स, ठीक है, न्यूज़ ग्रुप्स मतलब आप बहुत सारे फ्रेंड मिलके आपस में क्या करते हो बातचीत शेयर करते हो, ठीक है, ये सब काम क्या होता है ना आपका इंटरनेट के थ्रू में हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, तो मेरे को एक कॉल आ रहा है घर से, 1 मिनट वेट करो। हेलो, आज मैं अभी यहाँ पे ये करता हूँ, घर से क्यों बार बार कॉल आ रहा है पता नहीं, इसके वजह से नेटवर्क कट जा रहा है। ठीक है, तो हम हाँ नेक्स्ट हम और एक क्लास करके वहाँ पे मैं कर दूँगा।